बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मेरी शादी के दौरान हमारे बच्चों के भाई साहब पेपर चल रहे थे। जिस दिन मेरी बारात जानी थी ना, उस दिन भी हमारे बच्चों का पेपर था और बच्चे स्कूल गए और पेपर दे के आए भाई साहब। तो अभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, तो अभी देखते हैं भाई साहब किसने क्या किया है। आ जाए सबसे पहले अबू जर, माशाल्लाह आप अभी फोर्थ क्लास में होंगे ना, फोर्थ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है जी अबू जर का रिजल्ट, माशाल्लाह ए प्लस, जबरदस्त। और पीछे अगर देखें तो 97% मेरे बेटे ने नंबर लिए हैं, माशाल्लाह शाबाश, वेरी गुड। आप अपना दिखाएं अहमद, अभी अहमद की बारी है जी, अहमद का देखते हैं। माशाल्लाह मोहम्मद अहमद ए प्लस, माशाल्लाह। और कोर्स ऑफ क्लास था 1, अभी 2 में हो गया मेरा नन्ना मुन्ना। तो इसके आए हैं माशाल्लाह 98%, वेरी गुड। अभी जी बारी है अबीर की, माशाल्लाह अबीर फातिमा थी नर्सरी में और ए प्लस, माशाल्लाह, और 98%, वाह जी वाह, जबरदस्त शाबाश। तो आपका किधर है, आपका रिजल्ट कार्ड किधर? अच्छा दूसरे घर है। आपके कितने परसेंट आए हैं? 98, सबके 98 आ रहे हैं। बड़ी बात है यार, नया दिन नई दावत। तो दो दावतें अपनी हो चुकी हैं शादी के बाद, आज है तीसरी भाई साहब। और आज की जो तीसरी दावत है ना, वो है मेरे ससुराल वालों की तरफ से। तो अभी ससुराल जा रहा हूँ भाई साहब, चलिए फिर आयो चलिए। शादी के दिनों की देख आई हुई है हमारे घर और अभी भी इधर पड़ी हुई है। तो एक गाँव में ये होता है की जिसको भी जरूरत पड़ती है ना, फिर लास्ट टाइम जिसके घर देख बनी होती है ना, उसके घर वो चक्कर लगाता है और भाई साहब देख ले जाता आगे। तो जिसको भी अभी जरूरत होगी ना, वो हमारे घर से आगे ले जाएगा। खैर इस प्लास्टिक बैग में है जी मेरी वाइफ की जैकेट। जिस दिन मेरे कजन की शादी थी उस दिन मैं ये जैकेट लेके आया था। तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी लेके आया था, लेकिन जब वाइफ ने पहनी तो ये छोटी थी, तो इसका साइज जो है ना वो आज चेंज करवाना है। तो ये सियालकोट सही होगा, तो ससुराल जाते हुए रास्ते से ना साइज चेंज करवा लेंगे। तो अभी चलते हैं भाई साहब जल्दी से। शादी की रौनकें खत्म हो चुकी हैं भाई साहब। ताहर भाई जो मेरी शादी के लिए स्पेशल यूके से आए थे, वो आज जा चुके हैं। उनकी मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तो भाई मुबशर उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए हुए हैं। अभी भी छोड़ दिया हुआ वैसे एयरपोर्ट पे, लेकिन भाई मुबशर अभी वापस नहीं आए। और इधर हमारे महफूज भाई अभी करेंगे नाश्ता और फिर हमें छोड़ के ये मीरपुर चले जाएंगे। सो सैड। सलमान कैसा टाइम गुजरा, मजा आया? मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि शादी के बाद मैं उतना टाइम नहीं दे पाया। मैं वही सोच रहा था, ताहर भाई से भी मैं सॉरी करूंगा मैसेज करके। एना दी तो खैर है, ऐसे कोल ही ने मेरे। आप लोग तो स्पेशल आए थे ना मेरे लिए, ये आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत के लिए। इंशाल्लाह यूके में या अगेन पाकिस्तान में होगी मुलाकात इंशाल्लाह। ताहर भाई चले गए, अभी महफूज भाई और सलमान और फैमिली जो है वो जा रही है। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग जा रहे हैं, सच बता रहा हूं। बाकी थैंक यू सो मच कि आप लोग स्पेशल मेरी शादी के लिए ऑल द वे फ्रॉम यूके से आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर। जवान जो है गधा रेडी लेके खड़ा है, इसने इधर को जाना है। लेकिन रास्ते में गाड़ी खड़ी है, जल्दी दे नहीं की कर नहीं ओए मेहनत नहीं किनिया मजा जे हूं तेरा लेवल है। अल्लाह हाफिज, पीछे पीछे देख के गाड़ी गई नीचे, बस आगे आ जाए थोड़ा। वो अल्लाह हाफिज में ना महफूज भाई थोड़े मसरूफ हो गए थे। खैर बड़ी गाड़ी है, इसको मसला नहीं होता। ओके अल्लाह हाफिज, खैर से जाएं, पहुंच के मैसेज कर दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। आगे आगे महफूज भाई लोग जा रहे हैं, पीछे हम हैं। थोड़ा आगे जाके ना हमारे रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। महफूज भाई लोग जो है वो मीरपुर के लिए निकलेंगे, मैं दूसरी तरफ को निकलूंगा। मुझे टाउन में थोड़ा सा काम भी है, नहीं तो मैं भी सीधे जाता, लेकिन टाउन में चूंकि थोड़ा सा काम है तो मुझे यहाँ से लेफ्ट होना है और महफूज भाई लोग सीधा निकलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, रास्ते हो गए जुदा जुदा। अभी मैं टाउन में रुका हूँ मिठाई लेने के लिए भाई साहब। तो 5 किलो की टोकरी जो है ना वो मिठाई की करवाएंगे और फिर लेके चलेंगे भाई साहब। रास्ते से फ्रूट भी उठाना है और ड्राइविंग करते हुए ना पता नहीं क्यों वो फोकस करने की वजह से ना आंखों में दर्द हो रही है और ऐसा जैसे मुझे नींद आई हुई है। लेकिन कोई नहीं भाई साहब, अभी अच्छी खासी जो है ना वो ड्राइव करनी है, अच्छा खासा सफर है, जाना भी है और आना भी है। और ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट निकले हैं घर से, 7-8 बजे हमें निकल जाना चाहिए था और हम 12 बजे निकले हैं तकरीबन। मिठाई लेने के बाद अभी मैं भाई के पास रुका था फ्रूट लेने के लिए। असि एना कौन के फ्रूट लेने, लेकिन पैसे बड़े ले लेंदे ने साडे कोलों, रियायत नहीं करते, प्यार मोहब्बत नहीं वहां दे, पर अखा चखा पा के नहीं करते, पर इन मुंह कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ससुराल तो मैं अपने पहुंच गया हूँ, लेकिन एक मसला हो गया पीछे ना
इतना सही रास्ता है कि हैवल गुजर सकती है, तो मैं काफी दफा वहां से गुजरा हूँ तो हर दफा गाड़ी बच जाती है। अभी जो है ना अगला बम्पर लगा है और आज पंजाबी जी कह रहे हैं सही रगड़ होया है, तो पीपीएफ तो हुआ था वहां पे, अभी मेरा हौसला नहीं हो रहा मैं उसे देखूं। यार लगभग अपना कर्म करना, मुझे तो अभी टेंशन लग गई है, बस वो ना अगर कोई मसला हो गया ना हैवल को, नेक्स्ट टाइम अपने ससुराल हैवल नहीं मैं लेके आने लगा भाई, दसर की गाड़ी पे आ जाऊंगा मैं। अभी देखते हैं उतर के क्या हुआ है। ये देख रहे हैं नीचे भी लग गई है, पीपीएफ भी उतर गया है और नीचे से बम्पर पे भी स्क्रैचेस आ गए हैं, ये भी हो गया। दोबारा हैवल नहीं लेके आने लगा भाई साहब मैं ससुराल अपने, आल्ट ही आएगी अब। अच्छा खासी स्क्रैचेस आ गए हैं, अभी यहाँ पे पीपीएफ नया लगवाऊंगा और बम्पर है, बम्पर की खैर होती है। दिल धक धक हो रहा है अभी भी मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा लिया है और खाना खाते हुए ना सिर्फ मुझे अपनी गाड़ी की याद आ रही थी यार, बड़ा बचाया मैंने, और पिछले दिनों में मैंने गाड़ी को इतना चलाया ना कि आपकी सोच है, तो बस होते रहते हैं। फिर अभी वो ऊपर से हटेगी ना, क्या कहते हैं पीपीएफ, फिर मजीद पता चलेगा कि क्या पंगा पड़ा। बाकी अल्लाह पाक खैर करें, पीपीएफ उतरवाऊंगा बस ये दावतें और शादी खत्म हो जाए ना, फिर उतरवा के ना बम्पर पे अगेन नया पीपीएफ लगवाऊंगा। दिल टूट गया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और टाइम जो है ना वो 5 होने वाले हैं, बस थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे। घर जाते हुए ना फुल अंधेरा होने वाला है, अब्बू जान ने कहा था कि दिन में आ जाना, लेकिन हम निकले ही 12 बजे के करीब, तो सफर 2.5 घंटे तो लग जाते हैं, ट्रैफिक हो तो 3 भी लग सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम आए थे मस्जिद कारी साहब से मिलने के लिए, जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था ना, उनसे निकाह नामा चाहिए, ऑनलाइन हो गया हुआ है, उनके पास पड़ा हुआ है तो वो लेना है और देन फिर निकलेंगे। निकाह नामा भाई साहब चाहिए, मेरी वाइफ का आईडी कार्ड बनेगा हमारी तरफ का, दूसरा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आईडी कार्ड बनेगा देन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँगा, मेरे नाम पे पासपोर्ट बनेगा ना तो फिर हम इकट्ठा किसी भी कंट्री का वीज़ा इजीली ले सकते हैं। ऐसे मुझे था कि मैं ना पहले ही पासपोर्ट बनवा लूँगा, शादी से पहले ही मैंने वाइफ को बोला भी, लेकिन फिर भाई बशा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं शादी के बाद अपने नाम पे पासपोर्ट बनवाओगे ना कल इजी रहेगा, फिर मेरे ट्रैवल एजेंट ने भी बोला, तो इसलिए फिर अभी मेरे नाम पे पासपोर्ट बन जाएगा तो फिर इकट्ठे हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके ले सकते हैं। ऐसे मुश्किल हो जाना था, तो अभी निकाह नामा मिलेगा, आईडी कार्ड बनेगा, पासपोर्ट बनेगा, फिर ही हम कहीं जा सकते हैं, ऐसे नहीं। इधर से आते हुए भाई साहब यहाँ पे गाड़ी लगी है और यहाँ पे इतनी ही स्पेस है कि सिर्फ हैवल गुजर सकती है और वो भी बड़ी मुश्किल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, सियालकोट में दो काम है, दो कामों में से पहला काम जो है ना वो ये है कि मूवी वाले के पास जाना है और उससे सारी रॉ फुटेज और फोटोज सारी ले लेनी है, और बाकी वो अपने हिसाब से एडिट करेंगे, मुझे जो क्लिप्स अच्छे लगेंगे वैसे अपने लिए एडिट कर लूँगा, अगर अच्छे और मिले तो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा या फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी हो सकता है आपको दिखा दूँ। तो अभी उनके पास जाना, बात मेरी हो गई हुई है, तो अभी चलते हैं और उनसे वो लेते हैं चल के, और फिर भाई साहब दूसरा काम है वो करेंगे और फिर निकलेंगे घर को इंशाल्लाह। अभी हैं जी हम अपने शहर सियालकोट में, भाई साहब हार्ड ड्राइव मैंने ले लिया, उन्होंने यूएसबी नहीं दी मुझे पूरी हार्ड ड्राइव ही दे दी, वो कहते हैं सारा डाटा इसमें कर दिया जाके आप देख लीजिएगा। और मेरी वाइफ ने खानी थी आइसक्रीम, तो इनको जो आइसक्रीम पसंद है ना वो है टूटी फ्रूटी, तो बास्किन एंड रॉबिन्स वालों से तो टूटी फ्रूटी मिली नहीं, तो ये एक स्वीट क्रीम वाले हैं, तो अभी उनको मैंने ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पे अभी मैं खड़ा था आइसक्रीम का इंतजार कर रहा था कि भाई आए हैं गजरे लेके, भाई जान प्यार में बंदा दसना है किन्ने का, 300 का, या मैं 200 दे 2 लेने अगले दिन की करियो, बिस्मिल्लाह कीती है पहला गाहक लगा, 300 दे 2 देने ये तो ठीक है, 2 दे दे। बुड्ढी मेनू बड़े पसंद ने जी गजरे करे ते कोई की करे, ब्याह तो बाद करने पंदे ने सारे शशके मशके, भाई भी क्लो भी हथे गए दे किते अगे पीछे होंदे ते मां दा जाओ जाओ ठीक है मजबूरी। ये आ गई है जी, ये होती है टूटी फ्रूटी, विच उन्होंने जनाब केला भी पा दिता जी, तुहाडी खैर चम्मच भी 2 दे दिते, वैसे मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है तो ये वाइफ ही खाएंगी सिर्फ, तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुल जा सिमसिम, एक नया दिन और नई दावत। आज मेरी दावत है जी भांजी की तरफ, और आज मैं और मेरी वाइफ ही नहीं सिर्फ जा रहे, मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ जा रही है, भाई बशर जा रहे हैं, उनकी वाइफ जा रही है, अम्मी जान जा रही है, भाई बशर के दो बच्चे जा रहे हैं अरफा और खिजर। अभी बस निकलते हैं और जल्दी से दावत खा के आ जाते हैं, आज ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये थोड़े गाँव छोड़ के ही उनका गाँव है, चलते हैं लंगर खाते हैं और वापस आ जाते हैं। मेरे ये दो नन्हे मुन्ने बेबी भी जाएंगे, जाना है ना अरफा, आपको छोड़ जाते हैं क्यों? अपनी गाड़ी को धुलवाना भी है और ये अभी धुलेगी भांजी की शादी पे, और भाई साहब ये दुख जो है ना ये नहीं जाएगा, कभी बच गई हो ना नीचे, ये जो है ना ये देख रहे हैं आप, ये बची नहीं है, ये देख रहे हैं ये, इसका कोई हल हो जाए ना, ये सेंसर पे भी लगी हुई है। और मैंने ना सीट बेल्ट पहना हुआ था तो मैं जल्दी से सीट बेल्ट खोल दिया, कहीं एयर बैग ना ओपन हो जाए, तो ये मसला था। बाकी पीपीएफ जो है ना वो जरूरी है गाड़ी के लिए भाई साहब, पहले मैं सोचता था कि होता है कुछ भी नहीं, भाई बशर भी कहते हैं, सॉरी भाई मुदसर कहते हैं कि कुछ नहीं होता यार गाड़ी को, पहले भी तो गाड़ियाँ थी ना उनको क्या हो गया, लेकिन जब महंगी गाड़ी हो ना
थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगवा के ना पीपीएफ करवा लेना चाहिए। और ये पीपीएफ ने बड़ी चीज बचाई, अब ये पूरे बम्पर की शीट उतरेगी और इस पे नई पीपीएफ की शीट जो है ना वो लग जाएगी, या मे भी इतनी इतनी वो लगा दें सिर्फ, जो भी होगा ना वो जाएंगे और करवा लेंगे। लेकिन फिलहाल है शादी तो अभी तो नहीं करवा सकते, बाद में सही। ठीक है अरफा, कौन है आप? यस, फिर से करें। जिंदाबाद। चले कहाँ जा रही हैं आप, किसके पास? अजलान के पास। चलें। मेरी गाड़ी पे जब धूल पड़ी होती है ना तो बच्चे लिखे जाते हैं बिग फैन। और ये गाड़ी कल खड़ी थी ससुराल वालों के घर के बाहर, तो बच्चों ने उधर काफी कुछ लिखा हुआ था, बिग फैन। इधर भी लिखा हुआ था माय फेवरेट यूट्यूबर जैन पैंथर। ये इधर काफी कुछ लिखा हुआ है, कुछ की तो मुझे समझ भी नहीं आ रही है। बच्चों की मोहब्बत जी, बच्चों की। फेंक दे से, फेंक इसे। चले निकल गए जी अभी जल्दी से, टाउन जाना है। टाउन से कल जो चीजें ली थी ना, फ्रूट लिया था, मिठाई ली थी, वो सेम चीजें आज लेंगे और फिर भांजी की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कल की तरह अगेन मैं आ चुका हूँ मिठाई लेने के लिए। लेकिन आज ना मैं ये पेस्ट्रीज भी लूंगा, ये देखने में मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, तो मिक्स कलर जो है ना करवा लूंगा, पिंक, ये व्हाइट, ये ब्लू जो है, और ये वाली, ये जो है ना मिक्स करवाता हूँ मैं। बड़ी खूबसूरत ही लग रही है मुझे, दिल कर अभी से खा जाऊं, लेकिन रोटी खावांगे पहले ऐसी जाके तो ये भी लेता हूँ मैं, बाकी मिठाई तो मैंने करवा ली है। अरफा, अरफा मुझे भी दें कुछ खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर हम पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले स्नैक्स आ चुके हैं और साथ चाय है, और मेरे लिए अरफा बिस्किट लेके आई है। बिस्मिल्लाह, थैंक यू, खा जाएं अब। अजलान, ये मेरी भांजी का बेटा है, नन्ना मुन्ना चा मेरा बेबी, चद के एक साड़ा बेबी उत्ते बैठा था, बड़का मारदा वे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मेन कोर्स की बारी है, भाई मुबशर हुई ते सिद्धे हो गए ने। राणा साहब अंजनी यार, अभी भी आए थे थोड़े नाल। लिया जी, एदे ते पा दो मेनू सालन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चार दावते डन, और अभी भांजी की शादी जो है ना शुरू होने लगी है, तो मेरे ख्याल में तो अभी दावतों का सिलसिला जो है ना उसको रोकते हैं यहीं पे, शादी के बाद देखेंगे, कोई दावत करेगा तो खा लेंगे, नहीं करेगा तो बढ़िया है। इतनी भी भाई साहब मैं तो थक गया, मेरे को तो रोटी नहीं खादी जा रही अजकल, एक तो दावत जाओ इन्नी ऑप्शन होती है ने सामने, जो फिर बंदा खा भी ना सके वो भी दुख लगता तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। जनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।